ये बहुत ऊंची बात है ये बहुत ऊंचा प्रयोग है और बहुत ऊंचा फायदा देने वाला। मैं चाहता हूं कि ये जो सत्संग आप सुने ने, तो उसका ऐसा प्रभाव रहे कि चाहे कभी मौत आ जाए यमराज के यमदूतों की ताकत नहीं कि मेरे शिष्यों को नरक दिखा दे मेरे मंत्र दीक्षा लिए साधक को नरक में जाना पड़े थवा दूसरा जन्म लेने को आए किसी का गर्भ मिले न मिले फिर बाथरूम में बह जाए तो फिर मेरा साधक मंत्र दीक्षा का क्या फायदा तन सुखाये पिंजर कियो धरे रहन दिन ध्यान तुलसी मिटे नवासना बिना विचारे ज्ञान सारे जगत का जो दुख है उसका मूल क्या है सारे लोग सुबह से शाम तक जो भी कुछ करते हैं तो दुख मिटाने के लिए और सुख को पकड़ रखने के लिए और फिर भी लोग दुखी दुखी पाए जाते क्यों कभी विचार क्या है दुख मिटता नहीं सुख टिकता नहीं ऐसा क्यों और जो सुख पाने का अधिकार नहीं होता तो सुख की लालची नहीं होती और दुख मिट नहीं सकता तो दुख मिटाने के लिए कोई प्रयत्न ही नहीं करता तो दुख त्याज न होता तो दुख त्यागने के लिए कोई प्रयत्न ही नहीं कर सकता और सुख पाने का अधिकार नहीं होता तो सुख के लिए ललक ही, ही नहीं होती तो सुख के लिए ललक है और दुख को त्यागने में भी लगे हैं फिर भी बेचारे दुखी दुखी हैं तो कहाँ मूल गलती कहाँ दु मना दुष्ट न चाहने वाली परिस्थिति ख मना आकाश जैसे आंधी चली तूफान चला बालू उड़ा तो आकाश में दुष्टता आ गई दुख तो तीन आकाश होते ये भूताकाश, ऐसे हमारे हृदय के आकाश में वासना आई चिंता आई शत्रुता आई भय आया शोक आया तो हृदय काश में भी दुख होता है किसी के मरने से दुख नहीं होता किसी के जीने से दुख नहीं होता ऐसे तो कई लोग पैदा हो रहे तो आपको क्या दुख हुआ क्या सुख हुआ कई लोग मर रहे अगर शत्रु मरता है तो मजा आता है और मित्र मरता है तो दुख होता है तो दुख किसको हुआ ममता को हुआ सुख किसको हुआ बोले वासना को हुआ तो जब वासना अनुसारी घटना घटती है तो सुख होता है और ममता अनुसारी घटना घटती है तो सुख होता है और वासना और ममता के विपरीत घटना घटती तो दुख होता है तो जो संसार में ये पाऊं ये करूं ये करूं ऐसा हो इस प्रकार की धारणा उससे मैं सुखी होऊंगा इस प्रकार की मान्यता अज्ञान से रख के ऐसा होता है तो लोग सुखी होते हैं बर्नाड शो कितना बुद्धिमान तत्व चिंतक हो गया उसने बोला ग्यारह आदमी जॉर्ज बर्नाड शो ग्यारह आदमी कूद फांद करे क्रिकेट की और ग्यारह हजार मूर्ख तालियां बजाकर सुख ले वे, मजा ले वे, तो, तो ये ग्यारह हजार ग्यारह पागलों की महफिल है जॉर्ज बनार्ड सोने का ग्यारह मूर्खों को देखने के लिए ग्यारह हजार मूर्ख टाइम गवाए और अपने को मजा लिया मजा आया कहें इसी का नाम है क्रिकेट मैच मनुष्य कितना ऊंचा है और कोई कूदे फांदे फिर सुख मिले तो कितनी बनाटों की सूझबूझ की बात है कि मूर्खता है तो कोई नाचे कोई फूदे कोई कुछ करे कोई कुछ दे तब हम सुखी हों ये मन की बेवकूफी हमारे हमारे मन में अंदर में कितना सुख स्वरूप परमेश्वर सत्ता पड़ी है उसका पता पत्नी की पत्नी से भीख मांगेगा पत्नी को सताकर सुखी होता है पति और पति को सताकर पत्नी सुखी होती अगर सुख टिकता तो फिर दोनों फें क्यों हो जाते राम जी की नौकर को नोचकर सेठ सुखी होना चाहता और सेठ को आधीन करके नौकर सुखी होना चाहता है सेठ को आधीन करके मुनिम उसको पैसे कमा देता है और मुनिम को आज्ञा में रखकर सेठ सुखी होना चाहता है ना सेठ सुखी है ना मुनिम सुखी है ना नौकर सुखी है ऐसे ही नेता को अधीन करके कार्यकर्ता उनका प्रचार करना चाहेंगे नेता अगर हमारी माने हमारे कहने चले और कार्यकर्ताओं को अधीन रख कर नेता जीतना चाहता है न नेता सुखी है न कार्यकर्ता सुखी है एक दूसरे को नोच नोच के सुखी होने की जो रीत है वही दुख का मूल है अगर अनुभव नहीं हुआ तो और करके देख लो। ऐसा कोई सुख भोग नहीं जिसके पीछे दुख, भय और रोग नहीं बाहर के सुख में दुख है भय है रोग है और अंतरात्मा के सुख में निर्भयता है निरोगता है और माधुर्य है नित्य नवीन रस है संसार का सुख शुरू में अच्छा लगता है बाद में थका देता है नोच देता है अंतरात्मा का सुख शुरू में जरा अनजाना देश है अनमिला पिया है थोड़ा कठिन लगता है लेकिन कोई समर्थ गुरु मिल जाए और ईमानदारी से चलने वाला मिल जाए तो फिर तो मौज ही मौज हो जाती सुख तो हमारा स्वाभाविक सुख था भाई उस स्वाभाविक सुख के अनजाने देश में गए थे भी ध्यान में जान कर जाओ तो ओ, हो मौज हो जाए दिल्ले तस्वीरें हैं यार जबकि गर्दन झुका ली और मुलाकात कर ली सुख स्वरूप परमात्मा भरा है तुम्हारे अंतर में लेकिन अभागी इच्छाएं वासनाएं ये करूं तो सुखी हो जाऊं ऐसा बनाऊं तो सुखी हो जाऊं ऐसा करूं तो ये बाहर आके भटका देती भिखमंगा कर देती जितनी इच्छाएं अधिक जितनी आवश्यकताएं अधिक उतना वो आदमी दुखी जितनी इच्छाएं और आवश्यकताएं कम और अंतर आत्मा में आराम उतना वो सुखी शबरी कितनी सुखी के श्री राम उसके जूठे बैर खा रहे मीरा कितनी सुखी कि अकबर और तानसेन उसके चरणों में आकर शांति पा रहे मेरे गुरुजी कितने सुखी कि हम लोग उनके चरणों में पहुंचे तो हमें भी सुख का रहस्य समझ में आए और हम भी अभी कितने मौज में कि हमारा इंतजार करके हजारों लाखों लोग टीवी के सामने बैठे रहते क्यों क्या है अरे तुम्हारे अंतर आत्मा में वो सुख का खजाना है उसको पाना सीख लो दिल दे के देखो दिल दे के देखो बाबू दिल लेने वाले दिल देना सीखो जी एक बार अपना दिल दिल भर को परमात्मा को दो फिर परमात्मा को छुआकर दिल को संसार में ले आओ सुख लेने के लिए नहीं सुख बांटने के लिए मौज हो जाएगी मौज ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृतवर्षी फिर आपकी निगाहों से भी वो सुख स्वरूप ईश्वर के तरंग बरसे आपकी वाणी से भी आपके शरीर को छूकर हवाएं भी वो पवित्र आंदोलन फेंके ऐसा परमात्मा है आपके साथ लेकिन चालबाजी से कपट से इससे वासना पूर्ति और भोग संसारी भोग और संग्रह ये दो गलती है सारे दुखों के मूल में नाक से मजा ले जीभ से मजा ले काम इंद्री से मजा ले वाहवाही का मजा ले बाहर से मजा अंदर भर इसीलिए बाहर की चीजें 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 और संग्रह और कपट बास एक ब्राह्मण को भी ऐसी भ्रांति हो गई तो धन हो अच्छा मकान हो ठाट माट से सुखी जिंदगी जी तो उसने यक्ष की उपासना की साधना की यक्ष की उपासना साधना की ब्राह्मण मेरा नियम से करता था तो जो वो सकाम भाव से नियम निष्ठा से करते हैं, तो उसका फिर संकल्प फलता है तो यक्ष प्रकट हुए देवता तुमने मेरी खूब उपासना की ब्राह्मण देवता क्या चाहते हो बोले धनम दे यशम दे महाभारत में कथा थी धन मिले यश मिले महाराज यक्ष जरा बुद्धिमान रहे बोले ब्राह्मण धन से और बाहर की वाहवाही से थोड़ी दिन के लिए सुख का आभास आएगा दुख पूरा मिटेगा नहीं अगर धन और यश से दुख मिटता तो नेताओं का कितना यश होता है कितने छाये रहते हैं टीवी में और धन भी देश परदेश में कितना होता है बेचारों के पास सेठों के पास और लोगों के पास कही होता ये मैंने मिलाया हाँ टीवी शब्द उसमें नहीं धन से और बाई वाहवाई से दुख नहीं मिटता और सुख नहीं टिकता इसलिए तुम सच्चा धन पाने की तपस्या करते तो सच्चे धन को पाने से कभी दुख टिकता नहीं सारे दुख मिट जाते और सुख के लिए भीख मांगनी नहीं पड़ती सुख अपने हृदय में चमचमाता रहता है निर्दोष बालक किसी को छू दे किसी को देख ले किसी के गोद में चलाए तो उसको सुख मिलता है ये बालक का सुख कहां से आता है सहज में ही सुख है बालक की वासना सुषुप्त है और ज्ञानी के दर्शन करने से भी सुख मिलता है सच्चे संत तो उनकी वासना व्यतीत है अब ये कथा में विस्तार करने का हमको हक है इतनी लंबी कथा नहीं है जितना हम समझाने के लिए कर सकते तो यक्ष ने ब्राह्मण पर कृपा करके कहा कि तुम दुख मिटाना चाहते हो और सुख चाहते हो तो धन और यश से भोग और संग्रह से दुख मिटता नहीं और सुख टिकता नहीं इसलिए सार वस्तु को मांगो सार है उत्तम सार है अध्यात्म तो सुख पाना कठिन नहीं है लेकिन सुख की और भोग की इच्छा छोड़ना बेवकूफी के कारण कठिन लगता है हकीकत में जो कुछ मिलता है अपने आप छूटता जाता है ध्यान देना बचपन को छोड़ना नहीं पड़ा छूट गया बचपन के खिलौने भी छूट गए नहीं छूटे सब छूटता जाता है लेकिन हम नई नई इच्छा करते हैं ये मिल जाए वो मिल जाए वो मिल जाए भोग और संग्रह की इच्छा छोड़ दें तो अपने आप प्रारब्ध वेग से जैसा भी मिले बड़ा आनंद होगा बाहर से सुख लेने के लिए भोजन नहीं करो स्वास्थ्य के लिए भोजन करो सुख के लिए कपड़े मत पहनो स्वास्थ्य के लिए कपड़े पहनो सुख के लिए शादी मत करो कुल परंपरा चलाने के लिए शादी करो सुख तो आपकी छाया हो जाएगा जैसे पुरुष के पीछे पुरुष की छाया ऐसे ही आपके साथ सुख स्वरूप ईश्वर का जीवन सुख सहज में है ही। हीरे मिल गए जवाहरात मिल गए प्रमोशन का कागज मिल गया आप देखते देखते सिराने उन सबको छोड़कर नींद में चले जाते आराम मिलता है अगर हीरे जवाहरातों में मिठाइयों में और प्रमोशन के कागज में सुख होता तो ये छोड़कर आप नींद में क्यों जाते नींद में कोई आराम का सुख मिलता है ना इन चीजों के बिना भी कोई सुख है नींद का सुख तमस है लेकिन संग्र और भोग की वासना छोड़ो तो सत्व संजाए देगा गया सात्विक सुख जो सुख नित्य प्रकाश विभू जो नित्य है प्रकाशक है विभुमाना व्यापक है नाम रूप आधार मति न लखे जो मति लखे सो में शुद्ध अपार बुद्धि उस सुख को नहीं देखती लेकिन सुख स्वरूप आत्मा उस बुद्धि को देखता है जैसे लोहे में लोहे को अग्नि में डाल देते तो धीरे 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 लोहा अग्नि रूप हो जाता ऐसे उस सुख रूप में बुद्धि को विश्रांति दिलाते दिलाते जाओ तो बुद्धि सुख स्वरूप ब्रह्म हो जाती है। इसी बात को श्री कृष्ण कहते तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित है बहुत ऊंची बात है इसको सुनने मात्र से हजारों कपिला गौ दान करने का आपको फल हो रहा है आप वो सुन रहे हैं आज स्नातम तेन सर्व तीर्थम उसने सारे तीर्थों में स्नान कर लिया दातम तेन सर्व दानम द्वारा सारा दान पुण्य हो गया कृतम तेन सर्व यज्ञम उसके द्वारा सारे यज्ञ हो गए ये न क्षण मन ब्रह्म विचारे स्थिर एक क्षण मात्र के लिए उस ब्रह्म परमात्मा सुख स्वरूप में मन को लगाया भगवान बोलते हैं यतो तो यथो निश्चरती मनस्ंचल मनस्ंचलम अस्थिर जहां जहां जा मन जाए चंचल और अस्थिर ततस्तो नियम्य व वशम नह वहां वहां से बुलाकर मन को घुमा के आत्मा में लगाओ कभी भगवान को या गुरु को देखो और पल के ना हिले मन स्थिर होने लगेगा सुख आने लगेगा जीव को ऊपर नहीं बीच में नहीं तालू में खड़ी कर दो और मन वहां लगाओ जीव की नोक में मन के संकल्प विकल्प कम होंगे भगवत सुख धीरे एक दिन में छु मंत्र नहीं होगा थोड़ा अभ्यास होते ही बुद्धि में मन में वो सुख प्रवेश करेगा वो नित्य सुख स्वरूप है चैतन्य आत्मा लेकिन बाहर का सुख अनित्य है बाहर का सुख भोक्ता को कमजोर कर देता है तन से मन से मति से गति से कहते हैं कि बड़े से बड़े बुद्धिमान आदमी भी अपने मस्तक का लाखवें हिस्से का ही उपयोग कर पाते बाकी सब ऐसे ही पड़ा रहता क्यों इंद्रिया मन सब बाहर जाते तो उतना विकास नहीं हो पाता योगी लोग ध्यान करते समाधि करते जब करते तो उनकी प्रज्ञा विकसित हो जाती प्रतिपन्ना मती आ जाती ये बाहर के किताब रटा रटी वाले का ज्ञान अलग है लेकिन जो ध्यान करते उन पुण्यात्माओं की सूझबूझ अलग होती है भगवान बोलते हैं मैं सर्वाणी कर्माणी संत आत्मचेतसा निराशिर निर्मो भूतवा युद्धस्व विगत ज्वरा युद्ध जैसा घोर कर्म भी करो लेकिन क्या करो मुझ परमेश्वर में मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त के द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा और ममता रहित संताप रही तो कर कर्म करो आशा ममता और संताप ये तीन चीजें छोड़ने को कहा और भगवान ने क्या कहा मई सर्वाणी कर्माणी सन्न से मुझ परमेश्वर में सारे कर्मों के फल की छोड़ शरीर आदि अपना नहीं है और शरीर अपन नहीं है भगवान कहते ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन तुम भगवान के वंशज हो, भगवान नित्य है तो तुम्हारा आत्मा नित्य है भगवान ज्ञान स्वरूप है तो तुम्हारा आत्मा ज्ञान स्वरूप है भगवान चैतन्य स्वरूप है तो तुम्हारा आत्मा भी चैतन्य स्वरूप है उसी चैतन्य से जड़ हाथ उठता है उसी चैतन्य की सत्ता से जड़ जीवा बोलती है चखती है उसी चैतन्य की सत्ता से मन सोचता है बुद्धि निर्णय करती है निर्णय बदल जाते विचार बदल जाते फिर भी जो नहीं बदलता है उस सच्चिदानंद आनंद में अपने मन को बुद्धि को जरा विश्रांति दिलाओ यह बहुत ऊंची बात है ये बहुत ऊंचा प्रयोग है और बहुत ऊंचा फायदा देने वाला है जो जो चीजों में मेरा मैं और मेरापन लगे वहां से हटा दो शरीर को मैं मानने की गलती हटाते जाओ वस्तुओं को मेरा मानने की गलती हटाते जाओ परमात्मा को आत्मा को मैं मानो परमात्मा को मेरा मानो कचरे में जैसे लोहे से लोहा कटता है हीरे से हीरा कटता है ऐसे ही ममता से ममता को काटो तुलसी ममता राम से समता सब संसार राग न द्वेश न दोष दुख दास गए भव पार मूर्खावश मान के बैठे कि इच्छा छूटती नहीं है इच्छाएं तो छूटती जाती है फिर नई नई इच्छाएं करती तो भोग और संग्रह की इच्छा छोड़ दो जो हो गए तेरी मर्जी जो हुआ अच्छा हुआ जो हो रहा है अच्छा है जो होगा अच्छा हुआ बोले बेटी की शादी की चिंता नहीं करे चिंता करने से शादी हो जाए तो खूब कर क्या करें बीमार पड़े तो जरा औषधि का नहीं करें वो सब करो लेकिन उसको इतना महत्व न दो कि अपनी सहजता शांति छूट जाए मनोविज्ञान 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 क्या खाक जानते हैं विदेशी लोग मनोविज्ञान मन की कल्पनाओं के ढेर को बोल देते मनोविज्ञान मनोविज्ञान तो भारतीय संस्कृति में भरा पड़ा है मन क्या होता है उसको जरा समझो मन की कैसी वृत्तियां होती है उसको समझो और आनंद कैसे आता है उसको समझो और मन और परमात्मा कितना दूरी है वो समझो ये मनोविज्ञान है फ्राइड का मनोविज्ञान वो बोलता है कि माँ को देखकर बेटे को काम विकार की इच्छा होती है लेकिन बाप आड़े आता है इसलिए बाप और बेटे की नहीं बनती वो रुग्ण मनोविज्ञान है और बेटे बाप को देखकर बेटी को काम विकार आता है लेकिन माँ आड़ी आती इसी के लिए बेटी और माँ की नहीं बनती और फिर उसने अपने अपने दृष्टांत दे इतना पोथे बनाए कि उसको पढ़ के विदेशी कई युवा युतियां सेक्सी हो गए हस्तमैथुन वाले हो गए तबाह हो रहे हैं मिस्टर जोंगो को मैं शाबाश दूंगा जोंगो ने कहा कि ये मनोविज्ञान फ्राइड की बपोती नहीं है एक बार अपनी नई माँ को पिता के साथ नग्न देखा तो उसको भी माँ के प्रति विकार आ गया लेकिन ये जरूरी नहीं कि माँ के साथ संभोग करने की इच्छा बेटे की पैदा हो जाए नहीं माँ और बेटे की माँ माँ और बेटे की नहीं बनती है बाप और बेटे की नहीं बनती उसके पीछे दूसरा है क्योंकि बाप जितनी ऊंचाई को गया और बेटे को रोकेगा टोकेगा कहेगा तो बेटे के मन को जरा अच्छा नहीं लगेगा माँ भी बेटी को विकसित करने के लिए रोकेगी टोकेगी कहेगी इसलिए अच्छा नहीं लगता हाँ बोले बाप के साथ संभोग करने की बेटी की इच्छा होती है लेकिन माँ आड़ी आती इसलिए बेटी और माँ का नहीं बनता कैसा रुग्ण मनोविज्ञान अरे सोलह साल की दुल्हन हो और चौतीस साल का जीवन हो एक दूसरे के गले लगे फिर भी काम विकार नहीं हो सकता है दुल्हन सजी धजी है और अपने पिता से विदा लेकर ससुराल जा रही और पिता विदा देते देते अपनी बेटी को गले लगा देता और बेटी बाप को चिपकती है फिर भी उस समय सद्भाव होता है तुमने अपनी बेटी की शादी में बेटी को गले लगे हो अगर को भाव हुआ हो तो हाथों पर करो सद्भाव हुआ तो हाथों पर करो चलो विकार नहीं आए तो यही कारण है कि हम भगवती को देखते हैं माँ माँ के भाव से दूसरी देवियों में भी मातृभाव आ जाए भाव बदलने से विकार बदल जाता है संभोग से समाधि ऐसा भाषण करने वालों ने भी बड़ी गड़बड़ी फैला दी संभोग से समाधि नहीं हो सकती लाला सत्यानाश जरूर हो सकता है अगर संभोग से समाधि होती तो बकरा एक दिन में चालीस बकरियों के साथ संभोग कर सकता है मनुष्य करे तो उसकी तो लाश हो जाए भूड कर सकता है अधिक संभोग बकरा कर सकता है खरगोश करता है तो क्या खरगोश महापुरुष हो गए क्या बकरे महापुरुष हो गए क्या नहीं संयम से समाधि है तो ये मन की वृत्ति देखो एक होती है मूड बिल्कुल देह को मैं मानना और खाना पीना आलस्य से पड़े रहना मूड वृत्ति होती मन की उसको लय आलस्य में मजा आता है दूसरी होती है क्षिप्त दशा। शिप्त दशा ये कर लू ये कर लू ये कर लू और कुछ अच्छा करूं ताकि मैं मरने के बाद भी स्वर्ग में जाऊं धर्मात्मा तो है लेकिन शिप्त दशा वाले तीसरी होती विक्षिप्त दशा चौथी होती मन की एकाग्र दशा एक में ही मन लग जाए बार बार विक्षिप्त दशा क्या है कि बैठे हैं पैर हिल रहा है हाथ हिल रहा है ये देख रहे हैं वो देख रहे हैं कुछ ना कुछ किए बिना नहीं रहते विक्षिप्त दशा जो बैल भी ऐसे वैसे होते हैं, वो बैल फालतू माने जाते वो बैठते थे बुद्धिमान लोग तो ये विक्षिप्त दशा होती चौथी होती एकाग्र दशा और पांचवी होती है मन बराबर भगवान में लग गया काबू में निरुद्ध दशा यह है मनोविज्ञान जय राम जी की तो यक्ष ने क्या किया बड़ा मनोविज्ञान का उपयोग किया अपने ब्राह्मण को समझाया कि भाई धन में भोग में वावाई में संग्रह में कोई सार नहीं ब्राह्मण देवता कोई सार जीत पाओ यक्ष चले गए लेकिन ब्राह्मण फिर से उपासना करने लगा तो ब्राह्मण के गांव में जो बड़े बड़े राजे महाराजे हो गए सेठ धनी हो गए और पूर्व काल में मर गए ब्राह्मण एक दिन उपासना करते करते देखता अरे ये फलाना सेठ और नरक में ये फलाना ये फलाना अधिकारी और बड़ी रिश्वत लेता था और बड़ा ठाट से जीता था अरे ये ऐसा इतना बिभी तो घबराया राजे बड़े अधिकारी बड़े ठाठ माठ से जीने वाले जो भी लोग इसकी नजर में थे वो नरकों में कैसे खद बदा रहे वो दृश्य दिखा ब्राह्मण का उपासना साधना मंत्र ध्यान खुल गया और खुल के क्या देखा मैंने यक्ष देवता प्रकट हो गए बोले तुमने जो देखा है वो स्वप्न नहीं है सत्य है वो लोग यहाँ तो अच्छा अच्छा करके स्वर्ग में जाना चाहते थे और यशस्वी होना चाहते थे खूब भोग खूब संग्रह और 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 तो लोगों को अच्छे अच्छे कर्म करके लोगों के आगे अच्छाई का वाहवाही का डंडेरा पीट के यश के भोगी धन के भोगी विकारों के भोगी वो मर के देखो कितना दुख पा रहे अब ब्राह्मण देवता आपको भी मैं धन भोग संग्रह बाहर से मजा लेने वाला साधन दे दूं तो मैंने आपका भला क्या किया इसीलिए लोग प्रार्थना करते कि जय जय हनुमान ज्ञान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जैसे गुरु शिष्य का मंगल ही करते शिष्य जो मांग ले वो नहीं देंगे जिसमें उसका मंगल है वो ही देंगे एक बच्चा गया दुकान पे सौ की या पचास की नोट लेकर और क्या लेते हो बेटा ठीक है उसने मिर्च का पुड़िया बांध दिया सोडा खार का पुड़िया बांध दिया और लक्ष्मी छाप फटाखड़े दे दिए बाकी जो बारह अठारह रुपये बचे थे वो तीन पुड़ी के छोरा लेकर घर गया अब वो रास्ते में फटाकड़ा जलाकर हाथ जला दे तो उसकी मर्जी दुकानदार जिम्मेदार नहीं सोडा खार खा ले अथवा मिर्चों वाला हाथ आंखों में डाल दे उसकी जिम्मेदारी लेकिन अगर पिता की दुकान है और वो सौ की नोट ले जाता है पचास की या सौ करता है तो पिता वो पैसे ले लेगा और कुछ भी नहीं देगा ऐसे गुरु और सच्चे हितकारी आपकी पूजा सेवा श्रद्धा सब ले लेंगे लेकिन आप ऊ करके जो मांग रहे हैं वो नहीं देंगे आपको सत्संग देंगे आपको विवेक देंगे वैराग्य देंगे भगवान की भक्ति देंगे अनुशासन देंगे और आप में मन को लगाम डालने की एक ऐसी कुंजिया आपके हृदय में डाल देंगे इसीलिए कहते हैं गुरु कृपा ही केवलम शिष्य परम मंगल मन चाहे चीज मिल गया मंगल हो गया चलो बढ़िया हो गया लेकिन आखिर क्या इसलिए जिसके जीवन में सदगुरु नहीं वो बड़ा अभागा है। जिसके जीवन में सदगुरु का मंत्र नहीं वो आदमी लावारिश है उसका मन लावारिश है जैसे लावारिस चीज की इधर की उधर उधर की उधर धक्के खाती है ऐसी उसके मन में न जाने कभी कोई वासना आ जाएगी कभी कोई इच्छा आ जाएगी कभी कुछ कर बैठेगा कभी कुछ कर बैठेगा तो वासना अनुसारी जीवन लावारिश जीवन है लेकिन धर्म अनुसारी जीवन सवारिश सवार जीवन है क्या करना क्या न करना क्या खाना आज अमावस्या है पूनम है पत्नी हंस पड़ी और पति टट्टू हो गया या पति यही करा और पत्नी गले लग गई नहीं आज एकादशी है आज अमावस्या है आज पूर्णिमा है दूर से भाई बहन की तरह शरीर को देखो तो हुआ संयम अरे पप्पू की माँ अथवा हो हरी पप्पू की माँ तेरे बिना क्या जीना न देखा दिन न देखा रात और कर दिया काला मुं तो एक दूसरे के दुश्मन ही तो हुए बेटे तुम शादी करके तुम बर्बादी तो कर रहे हो एक दूसरे की ये तो ये तो निश्चरती मनस चंचलम अस्थिर भाई मन में आ गया शादी किया तो कोई ऐसा भारती करने के लिए क्या था तो कन्जर शादी किया तो क्या उसको भोग की मशीन बनाने के लिए क्या क्या तुलसीदास की पत्नी ने तुलसीदास को सुना दी कि रात देर को तुम ससुराल पहुंच गए बोले तेरे बिना नींद नहीं आती तेरे बिना भी क्या जीना उस देवी ने सुना दिया कि हाड मास की देह मम तामे इतनी प्रीति याते आधी जो राम प्रति तो अवश्य भव भी थी ये हाड़ मास से सुख अंदर भरने की जो प्रीति है इसे तो अंतर आत्मा का सुख जागृत करने की इससे आधी प्रीति होती तो जन्म मरण का दुख मिट जाता और महापुरुष हो जाते आपके दर्शन से लोगों का भला हो जाता तू सुंदर है तू ऐसी है, नाक उठा के देखो तो लींट भरी है दांत तो थूक से और मरे हुए बैक्टीरिया के बदबू से भरे हुए आंख से कीचड़ निकलती कान से खुरेद निकलती नीचे के अंगों से मलमूत्र निकलता तो है तो ईश्वर की कृपा है कि जरा चमड़े का कवर दे दिया अगर कवर हटा के देख तो ख़दबद खदब हो रहा है बाहर चक्की मक्की अंदर बुरबुर बुर शरीर -बुर को क्या तू तो नोचता है क्या रखा है इसमें स्त्री को पुरुष का शरीर प्यारा लगे पुरुष को स्त्री का शरीर प्यारा लगे रे लेकिन ये मुर्दे शरीर इसलिए प्यारा लगता है कि प्यारा परमात्मा चेतन है अंदर उस चेतन का ध्यान धरे उस चेतन का आनंद ले और उस चेतन का अनुसंधान करे तो तू तो कितना प्यारा हो सकता था तुलसीदास गए कांत में के प्रभु मुझे आपका प्यारा बना दो संत बना दो सोचा मैं कामी क्रोधी मैं कैसे संत बन सकता हूँ मैं चाहता हूँ कि ये जो सत्संग आप सुने ने तो उसका ऐसा प्रभाव रहे कि चाहे कभी मौत आ जाए यम के दूतों की ताकत नहीं कि मेरे शिष्यों को नरक दिखा दें मेरे मंत्र दीक्षा लिए हुए साधक को नरक में जाना पड़े अथवा दूसरा जन्म लेने को आए किसी का गर्भ मिले ना मिले फिर बाथरूम में बह जाए तो फिर मेरा साधक मंत्र दीक्षा का क्या फायदा तेरे बाप की जय चुप बैठो मुझे मेरी जय मत बोलो आपकी जय में देखना चाहता हूँ बस मेरी जय की मुझे जरूरत नहीं है मुझे वाहवाही के कारण सत्संग नहीं करना है मुझे तो जो सत्संग सुने एक बार जो दर्शन पाए शांति का अनुभव हो जाए नित्य नवीन प्रयोग कराते अनुसंधान सामान्य ध्यान जो लगाए उसे वे गहरे में ले जाए मैं तो ऐसा चाहता हूं महाराज अब क्या किया उस देवता ने तुलसीदास जी ने हे भगवान तू मुझे अपना संत बना दे मैं कामी कुटिल स्त्री के हड़मास के शरीर से सुख नोचने वाला मैं कैसे संत बन सकता हूँ तो संत का सेवक ही बना दे लेकिन संत का सेवक बनाने के लिए बनने के लिए भी मुकद्दर चाहिए संत का सेवक मैं बनने के योग्य नहीं हूँ तो हे देव कम से कम तू संत के द्वार की मुझे गाय बना दे कि मेरा दूध संत की सेवा में लग जाए तब भी मैं तर जाऊंगा लेकिन संत के द्वार की गाय बनने का पुण्य तो नहीं है अच्छा तो घोड़ा ही बना दे संत कथा करने जाएंगे मेरी थोड़ी सेवा लग जाएगी संत के द्वार का घोड़ा बनने का भी पुण्य तो नहीं तो कम से कम प्रभु संत के द्वार का कुत्ता ही बना दे ताकि उनकी नूरानी निगाह पड़ेगी तब भी हम देर सबेर तर जाएंगे भगवान कुत्ता क्यों बनाते घोड़ा क्यों बनाते सच्चे हृदय से जो भगवान को चाहते तो भगवान अंतर्यामी है प्रसन्न हो जाते तुलसीदास को संत तुलसीदास बना दिया दुनिया जानती तो आप भी प्रार्थना करोगे प्रभु ये नश्वर दुनिया का जो भोग है संग्रह है वासना है दुनिया की छूट जाने वाली चीजें जानने की इच्छा है ऐसे तो हम तुझे जाने के जो सुख और दुख के बाद भी रहता है जो जन्म के पहले था मरने के बाद भी रहता है हे देव मनोनिग्रह हो जाए से व्याधि दूर हो जाएगी चित्त का विक्षेप दूर हो जाएगा ध्यान करने से मन का प्रसाद आ जाएगा तो मेरे मन में तेरे आनंद का तेरे ज्ञान का तेरे सामर्थ्य का प्रसाद आ जाएगा उस प्रसाद से सारे दुखों का अंत सदा के लिए हो जाएगा प्रसादे सर्व दुखान हानि रस्य उप संशय दूर हो जाएगा और दिव्य मार्गदर्शन मिलेगा तो, मान बैठे अपने को धनी मान बैठे अपने को ऊंचा मान बैठे अपने को सुखी सेठ साहुकार ये जो है अलब्ध हो अलब्ब भूमिकात्व मन का अपने को विशेष मान बैठे ये संसार की चीजों को पाकर अपने में जो विशेषता है ये भी एक मन का दोष है हमारा मनोविज्ञान बोलता है जयराम जी और संसार की चीजें नहीं है और अपने को तुच्छ और गरीब और लाचार मोहताज मान बैठे ये भी एक मन का दोष है क्या करें हमारा धंधा नहीं क्या करें इनका मकान बड़ा है हम तो गरीब आदमी अरे सारी सृष्टि को चलाने वाला सत्य आनंद तुझे कई बार स्वर्ग दिया कई बार वैंकुट दिया कई बार लोक लोकांतर दिया अभी भी तू जना जाने क्या देने को वो लालयित है ऐसा दिल भर तेरे साथ है तू अपने को कंगाल मानता है अपने को गरीब मानता है अपने को मोहताज मानता है धत तेरे की मेरा अपमान करता है